छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला प्रकृति की हरा भरा प्रकृति की खूबसूरत दृश्य से भरा पूरा जिला है। अगर आपको हरियाली देखना है तो जसपुर जिला जरूर आएं और प्राकृतिक हरियाली का लुत्फ उठाएं। वैसे आप जसपुर आएंगे तो सारूडी चाय बागान ज़रूर आएं और घूमें। यहाँ की पिक्चर बहुत अच्छी आती है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का खूबसूरती बहुत अच्छी है। यह सारूडी चाय बागान जसपुर मुख्यालय से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूरी में है। अभी हमारे जसपुर में काफ़ी चर्चित और फेमस जगह है। सो गाइस, इस वक्त हैं हम लोग जसपुर के सारूडी चाय बागान के पास और यहाँ पे घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय दान तिर्की जी, आए हुए हैं कांसाबेल से सारूडी चाय बागान देखने के लिए। मैं इनको घुमाने के लिए आया हूँ आज। जो तिर्की जी, कैसे लगा हमारा सारूडी का चाय बागान, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा। अभी तो चाय बागान मैं तो सुना था कि जसपुर में है चाय बागान, और इसके पहले तो मैं केवल जानता था कि आसाम में है, और जसपुर में मैं सोचता था कि छोटा मोटा कहीं होगा, प्रदर्शनी टाइप का लगाए होंगे। लेकिन जब यहाँ आया तो देखा तो पूरा 20 एकड़ में लगा हुआ। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट बार आया हूँ, और काफी बड़ा एरिया में लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जरूर आप आइए और चाय बागान को देखिए, आपको बिल्कुल यहाँ पर आसाम का अनुभव होगा यहाँ पर, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर आप। तिर्की जी एक यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं, तो अपने चैनल का नाम बताइए चाचा। जी, मेरा चैनल का नाम है AD तिर्की। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप देखना चाहेंगे, मैं अभी चाय बागान का वीडियो बना रहा हूँ, तो सर्च करके आप देख सकते हैं AD तिर्की जी। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं चाचा, काफ़ी जसपुर क्षेत्र के बारे में भी बताते हैं और काफ़ी दूर दूर तक घूमते हैं चाचा जी। हाँ, दूर दूर तक जाता हूँ मैं, विदेश का भी बनाता हूँ, अमेरिका का वीडियो बनाया हूँ मैं और यूरोप का भी बनाया हूँ, और स्विट्जरलैंड का बनाया हूँ, और दुबई का बनाया हूँ मैं, काफ़ी जगह का वीडियो बनाया हूँ। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं आप मेरे चैनल सर्च करके जी। बाकी चलिए, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। तिर्की जी लोग भी आए हैं कांसाबेल से स्पेशल चाय बागान घूमने के लिए। इस साइड जाली किया गया है, बागान में कहीं कहीं बैठने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ी एरिया में, 20 एकड़ करीब एरिया में फैला हुआ यह सारूडी का चाय बागान, देख सकते हैं। जिधर देखेंगे उधर हरियाली हरियाली चाय का यह पौधा, चाय का बागान। जसपुर में यहाँ पे सोगुड़ा नामक जगह में भी चाय बागान है, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा चाय बागान नहीं है, वहाँ पे छोटा चाय बागान है जो कि आश्रम के द्वारा लगाई गई है। यहाँ तो 20 एकड़ करीबी एरिया में लगाई गई है चाय बागान। यहाँ के जस्ट बगल में जंगल है, जो कि जंगल के किनारे किनारे यह चाय बागान है। इससे पहले मैं गर्मी में आया था, जो कि ज़्यादा हरी भरी नहीं थी, अभी मस्त हरी भरी लग रही है। पूरी हरियाली जितना दूर तक नज़र जाएगी, लगभग हरियाली दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, ये सारूडी का चाय बागान करीब 20 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी काफ़ी दूर दूर से आते हैं चाय बागान को देखने के लिए हमारे क्षेत्र में। यहाँ पे काफ़ी नागपुरी म्यूजिक वीडियो का भी शूट करने के लिए आते हैं, और गाना डांस वगैरह का शूट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। यहाँ पे चाय को तोड़ के लाया गया है, स्टेप से सुखाते हैं, आप देख सकते हैं।
थोड़ा झूलिए, थोड़ा झूलिए, ये भाई लोग भी आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। कहाँ से आए हैं भाई आप लोग? पाइको से आए हैं, पाइको से आए हैं। क्या नाम है अभी आपका? नाम बता दो। और आपका भाई? कश्मीर भगत। कश्मीर भगत हो? ऋतिक राम। ऋतिक राम। अभिषेक भगत। अभिषेक भगत। दीपक राम। दीपक राम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे घूम लिए हम लोग, अब चलते हैं सारोड़ी चाय बागान से। गीली को सीखूंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है। रेस्ट कर रहा है हमारे जसपुरिया क्षेत्र में, ऐसे बैल चराते चराते रेस्ट करते हैं। बैल चला रहा है, वो रेस्ट कर रहे हैं, कोई डर भय नहीं रहता है। ये है गाड़ी घुमाने के लिए। चौहान विभाग का जमीन नहीं है,